हेलो एवरीवन, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2020 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है 19 तारीख वाला, उसका एनालिसिस देखिए। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे गए, और जिसमें आपके एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट था 7 मेंबर्स का इनसाइड फेसिंग, दूसरा जो क्वेश्चन था वो सिंगल रो 7 मेंबर्स का नॉर्थ डायरेक्शन में पूछा गया था, अनसर्टेन रो आई थी एक तो, और एक 3 मंथ 2 डेज का आपका एक पजल पूछी गई थी। ठीक है, इनइक्वालिटी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, अल्फा सिंबल्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो थी आपकी 5 नंबर की यहाँ थी, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के 2 मिसलेनियस में एक तो न्यूमेरिक वाला था शायद तक, और एक जूनियर वर्ड दिया गया था। ठीक है ना, तो ये था, और ये मिसलेनियस का, ये आपका रीजनिंग का 40 मार्क्स का है। अगर इसमें कुछ चेंजेस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और जिसका शिफ्ट में पेपर था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर बात कर ले, सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, और सीरीज के 5 क्वेश्चन मिसिंग वाले आए हैं, डीआई के 10 क्वेश्चन मतलब 2 डीआई आई हैं आपकी, वर्ड प्रॉब्लम के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चेंजेस यही आ रहा है, जो वर्ड प्रॉब्लम है इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, इस बार 15 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, और अगर वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक्स बता दूं तो यही प्रॉफिट एंड लॉस रहा है आपका, इनकम एक्सपेंडिचर वाला रहा है, मिक्सचर रहा है, मिक्सचर के अलावा आपका बोट का रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन रहा है, और उसके अलावा मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन निकला है। ठीक है ना, तो ये आपके लगभग जो टॉपिक कवर हैं वही आ रहे हैं। और अगर सीरीज की बात करें तो देखिए, सीरीज में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 72, 79, 65, 93, 37, 12, 12, 24, 72, 2, 8, 8, 12, 7, 8, 13, 27, 25, 50, 99, 180, तो ये एक बार इनको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इससे सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और सॉल्व करने के बाद में इसका पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज चेंज, नंबर चेंज हो रहे हैं, पैटर्न सेम रह रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये हमेशा यही रहता है कि पैटर्न स्टार्टिंग में जो आइडिया लग जाता है, इसीलिए सीरीज को प्रेफर करते हैं लोग सबसे पहले इसको एनालिसिस और रिव्यू में देखने के लिए। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट आपका एनालिसिस, इसका थर्ड शिफ्ट का भी हम जल्दी लेके गएंगे, और जिन भी स्टूडेंट का आगे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।